वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। देर से आए दुरुस्त आए, फाइनली मॉरिस गैराजेस हेक्टर को भारतीय पैसेंजर का मार्केट में लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं एमजी हेक्टर के एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक्स ऑन चैनल माय कार हेल्पलाइन। कार में आपको मिलेंगे एलईडी डीआरएल्स, आपको एक स्लिम डीआरएल्स मिलेंगे, आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद नीचे मिलेगी आपको एक बड़ी सी हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल विद अ क्रोम सराउंड्स। ये आपको जो फ्रंट फेस ये है, ये आपको टिपिकल भारतीय कारों जैसा नहीं मिलेगा। एमजी मोटर्स एक एक्चुअली यूके बेस्ड कंपनी है, जिसको बाद में चाइना की कंपनी शांघाई ऑटोमोटिव ने टेक ओवर कर लिया है। और इस कार का जो फ्रंट फेस यह है, वो आपको एक डिफरेंशिएटिंग फ्रेश कार का अपील देता है। उसके बाद आपको बम्पर की तरफ मिलेंगे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, और उसके नीचे आपको मिलेंगी फॉग लाइट्स, और बाद में आपको नीचे स्किड प्लेट्स मिलेंगी फ्रंट में। कार के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, तो उसमें दो खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एमजी हेक्टर है, इसकी डायरेक्ट कंपटीशन कार टाटा मोटर्स की हैरियर, एक्सयूवी 500, जीप कंपस, इन तीनों गाड़ियों से इस कार की जो लेंथ है वो बड़ी है। यस, इस कार इज इवन लॉन्गर एंड नॉट इवन लॉन्गर बट इवन टॉलर कंपेयर टू इट्स डायरेक्ट राइवल्स। और इसके कारण एमजी हेक्टर एक आपको बड़ी कार के रूप में, एक लोगों को चाहिए होता है ना कि उनको एक बड़ी कार की फील मिले, तो वो आपको एमजी हेक्टर साइड प्रोफाइल से बिल्कुल बेहतरीन अपील देती है। प्लस कार का जो व्हील बेस है वो है 2760 mm, विच अगेन इज इवन लॉन्गर कंपेयर टू इट्स राइवल्स। उससे जो कार के केबिन में आपको लेग रूम मिलेगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो और भी बेहतरीन है। नंबर टू, साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स, लेकिन जो अच्छी बात है वो आपको मिलेंगे ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स। कार के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो उसमें आपको मिलते हैं एलईडी टेल लाइट्स, एंड यस इट लुक्स स्ट्राइकिंगली गुड। अब बात करते हैं कार की बूट स्पेस के बारे में, बिकॉज वो बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। पहले देख लीजिए, कार की जो बूट है वो वन टच ओपन होती है और वन टच क्लोज होती है। दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग फॉर एमजी हेक्टर। एंड कार की बूट स्पेस 587 liters। बॉस मकान शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं बड़े लंबे वेकेशन पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली एमजी हेक्टर में। द कार बूट स्पेस इज लार्जेस्ट बाय एनी स्टैंडर्ड, लुक एट द काइंड ऑफ बूट स्पेस। और आसान है बूट ओपन करना, वन टच में आपने ओपन किया, प्लस इसकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और वन टच करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कार की भारी सुंदरता के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब कहते हैं इंजन इज लाइक द हार्ट ऑफ द कार। और मॉरिस गैराजेस में आपको मिलेगा पेट्रोल इंजन जो 1500 cc का है, डिलीवरिंग यू 141 bhp पावर विद 250 Nm टॉर्क इन 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। करीब आपको 14 से 14.25 kmpl की आपको कार के अंदर पेट्रोल के अंदर माइलेज मिलेगी एज पर ARAI फिगर्स। और डीजल इंजन आपको मिलेगा 2 लीटर का, ये वही इंजन है जो जीप की कंपस में आता है, डिलीवरिंग यू 170 PS पावर with 350 Nm टॉर्क इन 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। मैंने आपको रिपीट किया 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो जान लीजिए इस कार के अंदर अभी कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल में नहीं आएगा। पर अच्छी बात यह है, डीजल इंजन को कोई डीट्यून नहीं किया गया है, जैसे आपको टाटा मोटर्स की हैरियर में मिलता है। एमजी हेक्टर में सेफ्टी के मामले में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी, ड्यूल एयरबैग, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, ये स्टैंडर्ड सेफ्टी के रूप में उपलब्ध है। और उसके टॉप एंड मॉडल वेरियंट जो शार्प वेरियंट होगा, उसमें आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, उसके नीचे वाले वेरियंट स्मार्ट में आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे, और एमजी हेक्टर के एंट्री वेरियंट स्टाइलो सुपर में आपको ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स मिलेंगे। एमजी मोटर्स अपनी इस गाड़ी में कह रहा है कि ये इंटरनेट कनेक्टेड कार है। उसमें आपको मिलता है आई स्मार्ट टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप होस्ट ऑफ फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं। और एमजी हेक्टर में आप सोचिए, वॉइस कमांड के थ्रू आप गाड़ी की सनरूफ आपकी खुल रही है, बंद हो रही है, विंडोज अप हो रही हैं, डाउन हो रही है, क्लाइमेट कंट्रोल सेट हो रहा है, आप गाड़ी में नेविगेशन का फीचर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं थ्रू दिस वॉइस कमांड सिस्टम, तो ये आपको बेहतरीन मिलेगा। अब इतने सारे फंक्शंस हो गए हैं, तो इसका मैं आपको डेमो दूंगा, पर अलग से दूंगा, बिकॉज इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने लग गया, तो दिस वीडियो कैन एक्चुअली एंड अप टू बी 20 मिनट्स मोर। हेक्टर का जो टॉप एंड शार्प एडिशन है, उसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलेगा, हीटेड ORVMs मिलेंगे, एम्बियंट मोड लाइट मिलेगी, सराउंड व्यू कैमरा मिलेगा, एंड इलेक्ट्रिक को पैसेंजर सीट पर मिलेगी। स्मार्ट एडिशन जो नीचे वाला है, उसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, प्लस आपको इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट मिलेगी, 17 इंच के ड्यूल डायमंड कट अलॉय व्हील्स। आपको फीचर्स के बारे में स्क्रीन में आप चेक कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर यू विल बी रीजनेबली इंप्रेस विद द काइंड ऑफ फीचर्स दिस एमजी मोटर्स इज गोइंग टू ऑफर इन यू इन अपकमिंग हेक्टर।
अब बात करते हैं कार के इंटीरियर्स के बारे में, और जो सबसे बढ़िया बात एमजी हेक्टर में है वो है कार की जो रियर सीट है बॉस, आउटस्टैंडिंग फेनोमिनल आपको कार के अंदर लेगरूम स्पेस मिलेगी। इनफैक्ट एमजी हेक्टर का जो व्हील बेस है दैट्स द लॉन्गेस्ट, आपको एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स मिलते हैं ऑल थ्री, पीछे जो सेकंड आपकी रो है उसमें ऑल थ्री सीट्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स मिलते हैं, फ्लैट फ्लोर मिलता है, बढ़िया आपको सीटिंग कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल बहुत बढ़िया है, रियर में सेंटर सीट आर्मरेस्ट आता है, रियर एसी वेंट्स आते हैं, इट सर्टेनली फील्स अ प्लश, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। रियर से आप फ्रंट के लुक्स देख पा रहे होंगे जिसमें 10.4 इंच का आई स्मार्ट टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और एमजी हेक्टा का जो टॉप एंड मॉडल वेरियंट है इसमें आपको लेदर का इंसर्ट्स मिलेगा डैशबोर्ड के अंदर, लेदर के इंसर्ट्स आपको डोर पैड्स में मिलेंगे, सो दिस ऑल लुक्स प्रीमियम। एमजी हेक्टा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख पा रहे होंगे, इसमें 7 इंच का आपको एमआईडी डिस्प्ले मिलेगा जो इसके टॉप एंड मॉडल वेरिएंट्स होंगे उसमें आपको उपलब्ध होगा। केबिन का एक्सपीरियंस बिल्कुल आपको प्लश मिलेगा, इन नो वे यू कैन हैव अ कंप्लेंट्स, इट फील्स गुड टू गो इन एमजी हेक्टर। तो देखें एमजी हेक्टर के अंदर कार की पावर परफॉर्मेंस, कार के फीचर्स, कार की स्टाइलिंग, कार की केबिन स्पेस आपको बिल्कुल पसंद आएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि कंपनी कार की प्राइसिंग क्या रखेगी, क्या आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क आपको एमजी हेक्टर में मिलेगा, एंड व्हाट विद द कार डायनेमिक्स, कार के डायनेमिक्स क्या है वो मैं आपको टेस्ट ड्राइव में बताऊंगा विच आई विल बी ड्राइविंग कार इन द मंथ ऑफ जून 2019। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग बॉस मॉरिस गैराजेस की हेक्टर की प्राइसिंग आप लेके चल सकते हैं, एक एस्टिमेटेड बता रहा हूँ 14 लाख रुपये से करीब करीब स्टार्ट होगी, विच वुड लाइकली गो टू अराउंड 18 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस फॉर द टॉप एंड मॉडल वेरियंट। इन टर्म्स ऑफ एम जी हेक्टर सर्विस नेटवर्क, तो मॉरिस ग्राजेस क्लेम कर रहा है कि करीब 2200 करोड़ रुपये भारतीय पैसेंजर का मार्केट में इन्वेस्ट कर चुका है फॉर द मैनुफैक्चरिंग एंड टू एस्टैब्लिश द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें 120 आउटलेट इन 50 सिटीज दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश एंड प्लानिंग टू फर्दर ग्रो द कार सर्विस नेटवर्क, बिकॉज उनके काफ़ी प्लान्स हैं, दे आर गोइंग टू कम अप विद फ्यूचर इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑल्सो। तो ये एमजी हेक्टर के बारे में है कुछ जरूरी बातें, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वॉक अराउंड वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जब जून में इस कार का रिव्यू लेके आएंगे तो आपको पता तो लगेगा गाड़ी चलाने में कैसी है, गाड़ी के जो एक्चुअल डायनेमिक्स है, व्हाट आर द डायनेमिक्स ऑफ द पेट्रोल एंड द डीजल इंजन, एंड डू नॉट मिस टू शेयर दिस वीडियो फॉर द पीपल कंसिडरिंग एसयूवी कार, बिकॉज मॉरिस गैराजेस बिल्कुल भारतीय पैसेंजर का मार्केट में एक तुरुप के इक्के के रूप में हेक्टर लेके आने वाला है। थैंक यू।